जहां एक ओर देश प्रदेश की सरकारें पारदर्शिता से कार्य करने के कसीदे पढ़ते नहीं थकती, वहीं सोलन जिला मुख्यालय में सभी विभागों के निकट वार्ड नंबर 1 पावर हाउस में बिजली विभाग ने 33 केवी कार्य के लिए केबल बिछाने के लिए बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही सड़क खो दी थी, लेकिन अब 2 माह बाद भी बिजली विभाग इस सड़क को ठीक करवाने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी होने का भय है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं, लेकिन बिजली विभाग सहित अन्य सभी विभाग कुंभकर्णी निंद्रा में लीन है। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए इस मार्ग से चलना खतरे से खाली नहीं है, वहीं पैदल चल रहे लोगों को धूल का सामना करना पड़ता है। जब इस मार्ग से गाड़ी निकलती है तो धूल ही धूल हो जाती है। हैरानी इस बात की है कि जहां पर बात पारदर्शिता की होती है, वहीं इतना बड़ा कार्य हो जाने के बाद भी नगर परिषद को इस बारे जानकारी ही नहीं है। स्थानीय पार्षद सहित नगर परिषद के सभी अधिकारी इस मामले से अनभिज्ञ ही दिखाई दिए। चाहे कोई भी विभाग कुछ भी करता रहे, लेकिन सरकारी तंत्र को किसी बात की भनक तक नहीं लगती, जो कि नगर परिषद की कार्य प्रणाली की पोल खोलती है। वहीं बिजली विभाग का दावा है कि उन्होंने उपायुक्त सहित सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पत्र लिखा व कार्य शुरू कर दिया। वहीं हमारी दखलंदाजी के बाद कुंभकर्णी निंद्रा में लीन नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे व कार्य की नापनपाई करने लगे। अब सवाल यह है कि यदि कोई आम आदमी थोड़ी भी खुदाई कर दे तो विभाग प्राथमिकी दर्ज करवा देता है, लेकिन 1 माह पूर्व करीब 2 लाख रुपए से चकाचक हुई सड़क को बिजली विभाग ने मनमाने तरीके से खोद डाला, जिसमें राजनीतिश्य भी नजर आ रही है, वरना इतना बड़ा कार्य अवैध रूप से कैसे संभव हो पाता। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए बताया कि बिजली विभाग ने कार्य करने के चलते सड़क खोदी थी, जो कि अब उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। लोगों का आना जाना दूभर हो गया है, वहीं घर में रहने वाले लोग भी अस्थमा की बीमारी की चपेट में विभाग की इस लापरवाही के कारण आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि विभाग को इस पर जल्द कार्यवाही कर उचित कार्य करना चाहिए, ताकि उन्हें परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार से जब इस बारे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, वो बिजली विभाग से बात करके उन पर उचित कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना किसी परमिशन के यह कार्य हुआ है। इस बारे जब बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक धीमान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 33 केवी कार्य के चलते उन्होंने इस कार्य को किया था। उन्होंने संबंधित विभागों को इस बारे अनापत्ति के लिए पत्राचार किया था, लेकिन उसका जवाब आने से पहले ही उन्होंने कार्य को शुरू कर दिया, क्योंकि कार्य करना जरूरी था। नगर परिषद कार्यालय में कुछ दिन पहले इस बात का पता चला था कि पावर हाउस रोड जो था उसको खोदा गया है बिना किसी परमिशन के बिजली बोर्ड विभाग द्वारा, और इसके बारे में अध्यक्ष मोदी के साथ भी बात हुई थी, नगर परिषद के अध्यक्ष मोदी से बात हुई थी और उन्होंने विभाग के अधिकारियों से बात की थी और उनका ये कहना था कि इसे हम जल्द से जल्द रिपेयर कर देंगे, जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में इसको लाएंगे। अब मैंने अपने जो उस इलाका के उस खेत में वार्ड के जो हमारे जेई है कनिष्ठ अभियंता है नगर परिषद के, उनको आदेश दिया है कि वो इसकी बिल्कुल विस्तृत रिपोर्ट दें ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके और रोड जो हमारा डैमेज हुआ उसके बारे में विभाग के साथ बातचीत करके आगामी कार्यवाही की जाए। बारे में आपसे सहमत हूं कि हमारे खुदाई करने से आपको परेशानी तो हुई है, लोगों को भी परेशानी हुई है, बट हम जितना भी कर सकते हैं, बारिश होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया, जैसे ही अब हमारी मशीन जल्दी से जल्दी उसको कराएं और जितना मैं भी कर सकते थे हम उसको साफ भी कराया, मैं और एससी साहब 2 दिन की बात है, 2 दिन हम लगातार वहां खड़े रहे लेबर को लेके, जेसीबी वहां अवेलेबल थी तो हमने सारा इसको थोड़ी जरूरी था। नहीं, जिसको आपने कॉन्टेक्ट किया था ठेकेदार को, क्या वो उसको सिर्फ कटिंग का कॉन्टेक्ट था, केबल कटिंग का केबल डालने का भी कटिंग का बिल्कुल, उसको सारा उसको रहने तो करना था उसने, तो ठेकेदार कहाँ है, उसको नहीं कहा आपने ठेकेदार? ठेकेदार को कहा है,
वो आ रहा, आज बुलाया उसको मैं। पीआईटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।